फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभिषा और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटर का खीर। तो फिर चलिए चलते हैं किचन में। पहले हमने एक कटोरी मटर लिया है जिसे हम लोग बॉईल कर लेंगे। तो इसे अच्छे से धोने के बाद हमने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है इसके अंदर। ऐसे ढक देते हैं। तो उसे हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है और तब तक के लिए मैं आपको बता देती हूँ हमें और क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए ड्राई फ्रूट, तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो मैंने 3 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, किशमिश और काजू, और फिर चीनी, और ये है इलायची 2 पीस दिया है, और मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। और 1 कटोरी मतलब कि मैंने 1 लीटर दूध लिया है, क्योंकि मटर में हमें 1 लीटर दूध चाहिए होता है, क्योंकि हमें खीर को गाढ़ा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मटर में मम्मा ने पीस दिया है, और अब हम इसे कढ़ाई में डाल रहे हैं क्योंकि कढ़ाई गर्म हो रही है। उससे पहले हम लोग घी डाल रहे हैं, आप बटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे भी डाल रहे हैं। अब इसे हमें भूनना है। देखिए, हम इसे 5 मिनट तक भूनते रहेंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मटर को धो के पीस के फिर ऐसे ही भूनते रहना है। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। भुना गया, ये भुना गया, अब इसमें दूध डालेंगे। अभी इस दूध डालने वाले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर जब तक ये आधा नहीं हो जाता तब तक इसे मिक्स करेंगे। और जब ये आधा हो जाएगा तो हमारा खीर बन जाएगा। फिर बस हमें उसमें चीनी, ड्राई फ्रूट सब डालना होगा। और हमें मटर का खीर बनाने के लिए इस मटर को बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं होगा, और अगर हम इसे बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो फिर ये पिस्ता जैसा खीर लगता है, क्योंकि उसमें पिस्ता भी डालते हैं, बहुत टेस्टी भी लगता है पिस्ता भी। पर अभी मेरे पास पिस्ता नहीं है, पर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर दूध आधा हो गया था, तो फिर अब हम उसमें चीनी डाल रहे हैं, और फिर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फिर सिर्फ ऐसे ही पकने के लिए रहने देंगे। थोड़ी देर पकने देंगे, फिर इलायची डालेंगे। अब इलायची डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि खीर तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए के छोड़ देते हैं और गैस बंद कर देते हैं, फिर हीटर जो भी है। तो ये देखिए, खीर बन के तैयार हो गई है, और ये सब है ड्राई फ्रूट्स, और मुझे इसकी बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है, इसलिए मैं इसे खाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कैसे लगा। एंड बाय, नेक्स्ट वीडियो मेरे सारे वीडियो देखते रहिए।